चलिए अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन कहता है, ध्यानपूर्वक समझिएगा कि पानी में बर्फ घनीभूत होने का क्या कारण है। उक्त उष्मा युक्त होना, ठोस, द्रव तथा गैस में सर्वाधिक तीव्र गति से विषण किसमें होगा? गैस में होगा। कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन का बना है? ग्रेफाइट और हीरा दोनों होता है। फलों को पकाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? एसिटिलीन गैस का। अगला है, एसिटिलीन गैस जो होते हैं बच्चों फल को पकाने के लिए करते हैं, एथिलीन भी उसको बोलते हैं, हार्मोन होता है। कार्बनिक यौगिक को हाइड्रोकार्बन का अतिरिक्त कौन सा तत्व मिलता है बच्चों? कार्बन का। बॉक्साइट किस धातु की प्राप्ति होती है? एल्युमिनियम की। हमारे शरीर में भार का कितना प्रतिशत है? लगभग 70%। किसमें शिशु के लिंग का निर्धारण होता है? तो पिता के क्रोमोसोम से। पिता के क्रोमोसोम में कौन सा क्रोमोसोम निकलता है? XY। तो Y जो होता है वही बनाने में अपना हम योगदान देता है। अगला सवाल यहाँ पे कहता है, वो ध्यानपूर्वक सुनना है कि फ्लैश बल्ब के तार का निर्माण किया जाता है मैग्नीशियम से। प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा है। अदरक क्या है? तो एक परिवर्तित तना, जो आप लोग पढ़ चुके हैं। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? 10^-10 मीटर होता है। बैरोमीटर को पारा को इकाई गिरना क्या प्रदर्शित करता है? आंधी तूफान। याद किए हो, एक बैग बैरोमीटर का पारा गिर गया, आंधी तूफान आने वाला है। अगला है, भारत में प्रत्यावर्ती धारा मेंस की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। सल्फ्यूरिक अम्ल का एनहाइड्राइड क्या है? SO3 है। विद्युत आवेश का एम के पत्ती का मात्रा कौन होता है? कूलम होता है। घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किए जाने वाले तत्व कौन सा है? फ्रियोन है। याद रखिएगा, फ्रिज के अंदर कौन होता है? फ्रियोन होता है। आवेश का SI मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। समतल दर्पण में नाभीय लंबाई कितनी होती है? अनंत होती है। अर्धचालक का कौन उदाहरण है? सिलिकन। वायुमंडल, बादल वायुमंडल में तैरते रहते हैं। अपने कम घनत्व के कारण वायुमंडल में क्या होते हैं? बादल तैरते रहते हैं। अपने कम घनत्व के कारण वायुमंडल में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। यानी बादल का घनत्व क्या होता है? कम होता है, जिससे वो तैरते रहते हैं। अगला सवाल है, वायु की क्षैतिज गति से होने की ऊष्मा अंतरण करते अभिभवन द्वारा। प्रकाश तरंगे हैं, विद्युत चुंबक के तरंगे। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। ताप में वृद्धि का प्रत्यास्थ मापन घटते हैं। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्था की माप में क्या आती है? कमी आती है। स्वचालित वाहन में प्रयुक्त द्रव्य वेग सीधा प्रयोग होता है पास्कल के नियम से। प्रकृति में पाई जाने वाली रेडियो सक्रिय श्रृंखला होती है कितना? 3। आगे कहता है कि वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता? B और C। वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील नहीं होता? B और C। याद रखेंगे। उसके अलावा बेल किसकी इकाई है? तीव्रता की, ठीक है ना। एनेमोमीटर का उपयोग करते हैं पवन का, वेग का। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। मेढक में कितने होते हैं? 3। विद्युत प्रतिरोध का SI मात्रा क्या होता है? ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? Cobalt-60 का। जल, वायु, पारा तथा लोहा में किसमें ध्वनि अधिकतम होता है? लोहा में, यानी इस्पात में। एक फ्रेम से होकर गुजरने वाली प्रकाश सबसे अधिक परिवर्तित कौन है? लाल रंग। सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। याद है सबको, सीडियोराइट किसका अयस्क है? लोहा का। ताप एवं विद्युत का उचालक अधातु है कौन सा? ग्रेफाइट। सूर्य का विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। चुंबक के विपरीत ध्रुव पर क्या होता है? आकर्षण। जो मैं भी थोड़ा देर पहले बता रहा था कि जैसे ही विपरीत में आएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? आकर्षण शुरू होना हो जाएगा। अगला सवाल कहता है कि क्षय रोग में प्रभावित कौन सा? फेफड़ा। RBC का कब्र किसे कहा गया? पढ़ाए थे, किसको कहते हैं? स्प्लीन या पीला को। पारा का प्रमुख अस्थि क्या है? सीनेबार। मरकरी मिश्र धातु क्या कहते हैं? अमलगम कहते हैं। जी का मान सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पर। ऊष्मा का SI मात्रा क्या होता है? जूल होता है। स्टेनलेस स्टील आविष्कार कौन है? हैरी बेयरले। स्टील का आविष्कार कौन है? हैरी बेयरले। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। मनुष्य के रक्त का pH मान कितना होता है? 7.4। अगला है, वो कहता है कि पृथ्वी की कक्षा में कौन सा सबसे पहला कृत्रिम ग्रह भेजा गया? Sputnik 1। CNG का पूरा नाम क्या है? कंप्रेस नेचुरल गैस। यदि डीजल के ईंधन को पेट्रोल के रूप में प्रयोग किया जाए तो क्या होता है? इंजन काफी खराब चलेगा और अत्यधिक धुआं छोड़ेगा। अगर डीजल इंजन में ईंधन के रूप में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए, डीजल इंजन में पेट्रोल डाल दोगे तो बहुत ज्यादा धुआं देना शुरू हो जाएगा। किसकी कमी से निर्जलीकरण होता है? तो पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड से बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। अगला है, मृदा के जलहीनता यानी आर्द्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? हाइग्रोमीटर का। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? मानसिक तनाव। BP कैसे बढ़ता है? टेंशन ज्यादा लेने से। रक्त में उच्च रक्त पर यूरिक अम्ल होने से कौन सी बीमारी होगी? तो गाउट बीमारी होगी। मृदा का अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। पढ़ा दिए हैं। मिट्टी को अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। शहद में मुख्य अवयव क्या है?
तो फ्रक्टोज होता है। मानव शरीर के रचना संदर्भ में एंटीबॉडी होते हैं प्रोटीन, कौन सी मानव हार्मोन आयोडीन निहित होता है थायरोक्सिन, डेसीबल किसका होता है ध्वनि का मापन होता है, डेसीबल किसका होता है बच्चों ध्वनि का मापन होता है।